श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री मात्रे नमः। नमस्कार मित्रों, आज से हम अपने चैनल पर श्री ललितोपाख्यान कथा, जो ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत आती है, शुरू करने जा रहे हैं। तो ललितोपाख्यान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ललितोपाख्यान ब्रह्मांड पुराण का एक भाग है और इसका मुख्य उद्देश्य है एक ईश्वरवाद को स्थापित करना। ललितोपाख्यान ब्रह्मांड पुराण का एक भाग है जो है ग्रीव यानी भगवान विष्णु के एक अवतार और ऋषि अगत्स्य के बीच संवाद के रूप में लिखा गया है। उपाख्यान यानी कथा, यहाँ हम ललितोपाख्यान यानी ललिता प्लस उपाख्यान कहते हैं, यानी ललिता की महान कथा। और यह न केवल देवी के बारे में एक सुंदर वर्णन है, बल्कि हमें यह भी बताता है कि हमें उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। इस कथा में मुख्य जोर सहस्त्र नाम पर है, जो दिव्य माँ के 1000 नाम हैं। अतीत के आध्यात्मिक विद्वानों द्वारा कई टिप्पणियाँ लिखी गई हैं और दृढ़ता से यह स्थापित किया गया है कि इस सहस्त्र नाम स्त्रोत में पूरे विश्व के मंत्र शास्त्र का सार है और इसे सबसे शक्तिशाली स्तोत्र माना जाता है। ललितोपाख्यान मूलतः है ग्रीव और अगत्स्य के बीच का संवाद है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बातचीत कैसे शुरू हुई और क्यों हुई, इसकी क्या आवश्यकता थी। तो इसके लिए हम सबसे पहले महान ऋषि अगत्स्य की कहानी को समझते हैं। अगत्स्य उन 7 ऋषियों में से एक हैं जिन्हें सामूहिक रूप से प्रसिद्ध सप्त ऋषि यानी एक नक्षत्र के रूप में नामित किया गया है। वह पुलत्स्य के पुत्र हैं जो ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक हैं। वह एक अत्यंत प्रतिष्ठित वैदिक ऋषि हैं जिन्हें सबसे पहले सिद्ध के रूप में जाना जाता है। सिद्धों को भगवान शिव का प्रबल भक्त माना जाता है और यह माना जाता है कि उनके पास अष्ट सिद्धियाँ या 8 अलौकिक शक्तियाँ हैं और ये 8 सिद्धियों में अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व और वशत्व शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान सुब्रह्मण्य ने स्वयं अगत्स्य को सिद्ध चिकित्सा प्रणाली का ज्ञान दिया था, जिन्होंने बाद में उस ज्ञान को सभी मानव जाति के लिए उपलब्ध कराया। अगत्स्य मुनि को पवित्र और शक्तिशाली आदित्य हृदय यानी सूर्य देव की स्तुति की रचना करने का श्रेय भी दिया जाता है, जिसे भगवान श्री राम ने तब शुरू किया था जब उन्होंने रावण को हराने के लिए संघर्ष किया था। और इस भजन को सुनने के बाद ही भगवान राम अपनी सारी शक्ति जुटाने और रावण को विफल करने में सक्षम हुए थे। विंध्याचल मध्य भारत का विशाल पर्वत अपने अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए लगातार आकार में बढ़ रहा था। इसके अभिमान को वश में करने के लिए ऋषि अगत्स्य ने उत्तर प्रदेश में अपने निवास स्थान से विंध्याचल के रास्ते दक्षिण भारत की यात्रा की। पूज्य मुनि को देखकर पर्वत आदर और नम्रता से झुक गए। यह देखकर ऋषि ने पूछा, क्या विंध्य तब तक झुका रह सकता है जब तक ऋषि अपनी यात्रा से वापस नहीं लौट आते। ऋषि के शब्दों का सम्मान करते हुए पहाड़ झुके रहे और आगे नहीं बढ़े, क्योंकि ऋषि कभी वापस नहीं लौटे, जिससे विंध्याचल के गर्व और अहंकार पर अंकुश लगा। मुनि की उपस्थिति के कारण पूरा दक्षिण भारत समृद्ध और पवित्र हो गया। लेकिन कलयुग के आगमन पर अगत्स्य के प्रयासों के बावजूद दुनिया में अपवित्र और बुरे कृत्यों का बोलबाला शुरू हो गया। उन्हें चारों ओर केवल अधर्म और स्वार्थ ही दिखाई देने लगा। इससे वे दुखी होकर तीर्थ यात्रा पर चले गए और कांची पहुंचकर उन्होंने भगवान महाविष्णु के नाम पर कठोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान अगत्स्य के सामने है ग्रीव यानी घोड़े का सिर और मानव का शरीर वाला इस रूप में प्रकट हुए, जो सभी ज्ञान के भंडार हैं। है ग्रीव ने अगत्स्य से वर मांगने को कहा। इस पर अगत्स्य ने कहा कि अज्ञानी लोगों के लिए मुक्ति का क्या मार्ग हो सकता है। तो है ग्रीव ने उत्तर दिया कि लोग दो तरह से अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं। पहला, या तो सब कुछ त्याग दो और भगवान के निर्गुण स्वरूप को प्राप्त करो, जो कि अत्यंत कठिन है।
या फिर दिव्य माँ की पूजा करो और धार्मिक और सुखी जीवन का आनंद लेते हुए मोक्ष प्रदान करो। तब हयग्रीव ने अगस्त्य को निर्देश दिया कि उन्हें इस दिव्य रहस्य को सभी मानव जाति के लिए प्रचारित करना चाहिए। और तब ऋषि को आदि पराशक्ति की कहानी श्री ललिता सहस्त्र नाम स्त्रोत की दीक्षा दी गई थी। इस सहस्त्र नाम की रचना स्वयं देवी के निर्देशों के तहत 8 वाग देवताओं द्वारा की गई थी। ये 8 वाग देवताएं वशिनी, कामेश्वरी, अरुणा, विमला, जयनी, मोहिनी, सर्वेश्वरी और कौलिनी हैं। यह एकमात्र सहस्त्र नाम है जो किसी मानव द्वारा नहीं लिखा गया और ये एकमात्र ऐसा भी है जिसमें एक भी नाम दोहराया नहीं गया। सहस्त्र नाम कहता है कि कोई देवी ललिता की पूजा तभी कर सकता है जब वह हमसे ऐसा कराना चाहती हों। ये कहानी देवी के सती रूप धारण से शुरू होती है, जिसके बाद देवी के एक और अवतार पार्वती की कहानी आती है। इसके बाद भंडासुर नामक राक्षस के विनाश के लिए श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी का उदय होता है। हयग्रीव कहते हैं कि जो मनुष्य उस पराशक्ति की विधि से अथवा बिना विधि से पूजा करते हैं वे सांसारिक कर्म करने वाले व्यक्ति मुक्त ना हो ऐसा नहीं है, यानी वे अवश्य ही मुक्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ललिता देवी सर्वोच्च आत्म चेतना के रूप में सभी मनुष्यों में स्थित रहती हैं। आत्मा में स्थित गुण के होने पर भी अथवा ना होने से आत्मा की एकता से जो ज्ञान पैदा होता है वह ज्ञान सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। उसी आत्मा की एकता से जिस रूप का ध्यान करने मात्र से तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के कर्मों से हीन पापी मनुष्य के भी दुष्कर्म सुकर्म बन जाते हैं। आगे हयग्रीव कहते हैं कि ध्यान और योग के बल से जिसकी सम्यक आराधना करके भगवान शिव सब सिद्धों के ईश्वर अर्ध नारीश्वर हो गए थे और अन्य प्रमुख ब्रह्मा आदि देवता उनके वैभव के प्रभाव से ही सिद्ध सफल हुए हैं। उन तीनों लोकों के स्वामिनी त्रिपुरा की आराधना के बिना भोग और मोक्ष एक साथ कहीं भी नहीं मिल सकता, यानी माँ त्रिपुरा सुंदरी मनुष्य को भोग के साथ साथ मोक्ष भी प्रदान करती हैं। हयग्रीव कहते हैं कि उनमें मन लगाने वाला और उनमें ही अपने प्राणों को अर्पित करने वाला, यानी ध्यान द्वारा प्राणायाम करने वाला, उनमें ही यज्ञ करने वाला, उन्हें जानने की इच्छा रखने वाला उनमें एक रूप हुआ रहता है, वह सामान्य रूप से अपने कर्मों को करता हुआ मुक्ति को प्राप्त होगा। हयग्रीव कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी तपस्या से संतुष्ट मैंने सब प्राणियों के कल्याण की कामना से इस रहस्य को बताया है। यहीं पर ललितोपाख्यान का पहला अध्याय समाप्त होता है।